नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे जिसका नाम है राम बाबूराव फासगे और मैं हूं आपका दोस्त राम फासगे। अपना आज का टॉपिक है बैलेंस वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन। इस वीडियो में मैंने दोस्तों प्रिकॉशन, लिस्ट काउंट, विच लिक्विड इज यूज्ड फॉर स्पिरिट लेवल और उसका रीजन क्या है, डेली बैलेंस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसका टाइप ए टाइप बी क्लीनिंग, प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए, मंथली बैलेंस कैलिब्रेशन एंड टेस्ट, कौन कौन सी मंथली बैलेंस कैलिब्रेशन करते समय टेस्ट करनी चाहिए, ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में पूरा, और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल है दोस्तों, इसमें से कोई आपको इन्फॉर्मेशन कोई फ्रॉड नहीं होगी, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप पूरी चीजें समझ सकते हो। और इस वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों बिना गवाए टाइम को स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों आपको और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा के आपको नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस वेरिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन क्या क्या है, जैसे कि यहां मैंने जो पॉइंट कवर किए है, प्रिकॉशन, लिस्ट काउंट, विच लिक्विड इज यूज एज अ स्पिरिट लेवल, डेली बैलेंस वेरिफिकेशन, मंथली बैलेंस कैलिब्रेशन, टेस्ट और कौन कौन सी टेस्ट होती है, ये सभी। तो सबसे पहले प्रिकॉशन देखते हैं दोस्तों। इंश्योर बैलेंस वेरिफिकेशन चेक शाल बी डन वंस इन अ डे। इंश्योर बैलेंस वेरिफिकेशन चेक शाल बी डन वंस इन अ डे, मतलब आपको जब भी बैलेंस वेरिफिकेशन होगा वो दिन में एक बार करना ही करना है। डू नॉट ड्रॉप द वेट ऑन अ बैलेंस पैन बिकॉज इट कैन चेंज द बैलेंस एंड वेरिएशन इन द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप पैन जो है बैलेंस का उसके ऊपर आप कोई अगर वेट गिरा देते हो तो डैमेज भी कर सकता है और वेट वेरिएशन रिजल्ट आएगा। यूज द फोर्सेप्स टू हैंडल द स्मॉल स्टैंडर्ड वेट, अगर छोटे छोटे वेट्स है तो आपको फोर्सेप्स यूज करना है। डू नॉट पुट द वेट मटेरियल बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस, मतलब जो बैलेंस की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको मटेरियल या वेट यूज नहीं करना है। यूज द एनालिटिकल बैलेंस ओनली विद इन द स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग रेंज, बैलेंस यूज करना है आपको जो स्पेसिफाइड रेंज है। डू नॉट पुट द एक्स्ट्रा लोड वाइल वेइंग ऑन वेइंग पैन, ठीक है। स्पिरिट लेवल ऑफ द वेइंग बैलेंस शुड बी केयरफुली एडजस्टेड एंड एट इट्स सेंटर पोजिशन, ठीक है। जो भी स्पिरिट लेवल है उसके सेंटर पोजिशन पे आपको एडजस्ट करना है। इंश्योर दैट ओनली ट्रेन पर्सन शैल हैंडल द वेइंग बैलेंस, बैलेंस शैल बी केप इन अ लेवल पोजिशन, स्पिरिट लेवल शैल बी यूज टू इंश्योर प्रॉपर लेवलिंग लेवलिंग विच एवर इज रिक्वायर्ड, बैलेंस शैल बी स्टेबिलाईज फॉर 5 मिनट्स प्रायर टू स्टार्ट द फर्स्ट वेइंग ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब आपको जब भी बैलेंस यूज करना है उससे 5 मिनट पहले आपको बैलेंस को ऑन कर देना है ताकि वो स्टेबिलाईज हो सके। मटेरियल शैल नॉट बी केप्ड स्पिल्ड ओवर द पैन एंड ऑन बैलेंस आफ्टर ईच वेइंग, इंश्योर बैलेंस इज सेट टू जीरो डिस्प्ले, बैलेंस शाल केप्ड ऑन एंटी वाइब्रेशन पैड विच एवर इज एप्लीकेबल। अगर आपके पास कोई वाइब्रेशन वाला एरिया है, जैसे कोई कॉम्प्रेशन मशीन है जहां आप बैलेंस यूज कर रहे हो, या कोई हेवी इक्विपमेंट है जिससे नॉइज आ जाती है, उस एरिया पे अगर बैलेंस आपका यूज करना है तो आपको उसको एंटी वाइब्रेशन पैड पे रख देना है। तो ये था प्रिकॉशंस, अभी देखते हैं दोस्तों
operation. Ensure that the analytical balance, weighing balance and surrounding area shall be clean. ठीक है, जो भी जहां भी आपका बैलेंस है वहां का एरिया और वो बैलेंस क्लीन होना चाहिए बिफोर यूजिंग. इंश्योर दैट द कैलिब्रेशन स्टैटस शुड बी ओके. इंश्योर स्पिरिट लेवल इज एट सेंटर ऑफ द मार्क गिवन ऑन द वेइंग बैलेंस. स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल डिस्प्ले शोज 0.000. आप जब भी बैलेंस ऑन करोगे तो स्टेबलाइज होके वो डिस्प्ले देगा, तब तक आपको वेइंग या उसके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करना है. वेट फॉर 5 मिनट्स टू स्टेबलाइज द वेइंग बैलेंस. स्टार्ट द वेइंग ऑपरेशन. रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑपरेशन शैल बी डन इन अ लॉग बुक. और आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो या जो भी वेइंग कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग आपको उसके लॉग बुक में करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज द लिस्ट काउंट. ठीक है, लिस्ट काउंट होता है मिनिमम वेट दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द बैलेंस. ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इट्स लिस्ट काउंट. तो ये लिस्ट काउंट की डेफिनेशन है दोस्तों, कि जो सबसे मिनिमम, जितना आप मिनिमम वेट उस बैलेंस पे कर रहे हो उसको लिस्ट काउंट बैलेंस का कहते हैं. स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल ऑफ द बैलेंस. अल्कोहल इज एज अ इथेनॉल इज यूज इन अ स्पिरिट लिक्विड रादर देन वॉटर. तो जो स्पिरिट लेवल होता है उसमें लिक्विड होता है, वो लिक्विड कौन सा है, तो वो होता है अल्कोहल एज अ इथेनॉल. ये इथेनॉल उसमें होता है. तो ये इथेनॉल क्यों होता है, लिक्विड क्यों नहीं होता, Why it is used? और ये इथेनॉल क्यों होता है उसका रीजन हम लोग यहाँ अभी देखते हैं. अल्कोहल हैव लो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन. ठीक है, लो विस्कोसिटी और लो सरफेस टेंशन होता है, विच अलोज द बबल टू ट्रेवल द ट्यूब क्विकली एंड सेटल एक्यूरेटली विद द मिनिमल इंटरफेरेंस विद ग्लास सरफेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है. तो अल्कोहल यूज करने का, having low viscosity and surface tension, low surface tension due to these allows the bubble to travel the quickly and settle accurately with the minimal interference with the glass surface. जो भी glass surface है उसमें वो settle properly हो जाता है quickly और accurately. ये दोनों word बहुत ही important है ताकि वो जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली वो ग्लास जो है कर्व उसमें सेटल हो जाता है. तो ये आपको इमेज दिख रही है स्पिरिट लेवल, जो पोर्टेबल स्पिरिट लेवल बोलते हैं वो है. स्पिरिट लेवल इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू इंडिकेट वेदर अ सरफेस इज हॉरिजेंटल और वर्टिकल. आपको ये स्पिरिट लेवल किसके लिए यूज करते हैं, कि टू इंडिकेट वेदर अ सरफेस इज हॉरिजेंटल और वर्टिकल. आपका जो भी सरफेस है वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है वो चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल यूज करते हैं. स्पिरिट हैज स्लाइटली अपवर्ड कर्व सो दैट द बबल नेचुरली रेस्ट इन अ सेंटर द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है और वो हाईएस्ट पॉइंट है इसमें वो नेचुरली जाके वहां सेट हो जाता है. बैलेंस कैपेसिटी. जो भी बैलेंस है आपका जो यूज कर रहे हो, चाहे वो एनालिटिकल बैलेंस हो चाहे वो वेइंग बैलेंस हो, इसमें भी दोस्तों बैलेंस के भी दो प्रकार के मतलब कहते हैं, जैसे कि क्रिटिकल बैलेंस और एक नॉन क्रिटिकल बैलेंस. क्रिटिकल बैलेंस इसको बोलते हैं कि जो बैलेंस या जो भी आप बैलेंस के ऊपर काम करोगे, जैसे वेइंग करोगे, इसका अगर आपका क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है तो वो हो गया क्रिटिकल बैलेंस, और उसका क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा वो हो गया नॉन क्रिटिकल बैलेंस. क्रिटिकल बैलेंस मतलब कि जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, इन प्रोसेस में यूज होते हैं, इन प्रोसेस टेस्ट में यूज होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में यूज होते हैं, वो सभी बैलेंस क्रिटिकल बैलेंसेस आ जाते हैं. नॉन क्रिटिकल में जैसे कि स्क्रैप है, स्क्रैप का वेट करना है, ठीक है, तो ये बैलेंसेस नॉन क्रिटिकल में आ जाते हैं.
ठीक है, बैलेंस कैपेसिटी मिनिमम होती है 50% और मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोगों को रखना है 80%। ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग रेंज मतलब उसका लिस्ट काउंट से लेकर के आपको मैक्सिमम कितनी रखनी है, वो मतलब मिनिमम आएगी 50% और मैक्सिमम आएगी 80%, ये बैलेंस कैपेसिटी हो गई। ऑपरेटिंग रेंज मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज शैल बी डिजाइन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस, ठीक है। जैसे कि यहां देखो मैंने एक ये लिया है बैलेंस का डेली बैलेंस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, इसमें आपको आता है डिपार्टमेंट, मंथ आएगा, ठीक है, लोकेशन आएगी कौन से एरिया में लोकेशन है, बैलेंस आईडी आएगा, बैलेंस कैपेसिटी 210 ग्राम है, ठीक है, उसका मेक आएगा कौन से मेक का है, ठीक है, लिस्ट काउंट 0.001 ग्राम, ऑपरेटिंग रेंज आएगी आपकी कि उसको ऑपरेटिंग रेंज क्या है, मतलब कि 1 मिलीग्राम से लेकर कि 210 का 80% कितना आएगा, ऑपरेटिंग रेंज है तो मिनिमम आएगी जैसे कि यहाँ हमने 50% वो हो गया और मैक्सिमम आएगी 80%, तो 80% आता है इसका 168 ग्राम, तो 168 ग्राम मतलब कि जैसे कि 160 तक हमने लिया हुआ है, तो ये ऑपरेटिंग रेंज हो गया। वेट सर्टिफिकेट नंबर, जब भी हम लोग वेट ले रहे हैं ये वेरिफिकेशन के लिए या चाहे मंथली कैलिब्रेशन के लिए, तो जो स्टैंडर्ड वेट्स है उनका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहां लिखना है और वो वैलिड कब तक है वो यहां आपको लिखना है, ठीक है। डेट, स्पिरिट लेवल, ओके नॉट ओके, और इसका ऑब्जर्वेशन वेट 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 160 ग्राम, फिर ये डन बाय किसने किया, चेक बाय किसने किया, और रिमार्क ओके नॉट ओके, ये सभी आपको बैलेंस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में लेना है। तो ये आ गया बैलेंस की मिनिमम 50% और मैक्सिमम आ गई 80% कैपेसिटी। ऑपरेटिंग रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज आपको रखनी है एज पर द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस। कैलिब्रेशन रेंज शुड कवर एट लीस्ट ऑपरेटिंग रेंज। इंश्योर बैलेंस वेरिफिकेशन चेक शैल बी डन बिफोर फर्स्ट वेइंग ऑफ द डे। बैलेंस वेरिफिकेशन आपको फर्स्ट जो वेइंग करोगे, ऑपरेशन करोगे, उससे सबसे पहले आपको बैलेंस वेरिफिकेशन करना है। डू नॉट ड्रॉप द वेट ऑन द बैलेंस पैन बिकॉज ऑफ इट्स कैन डैमेज द बैलेंस एंड वेरिएशन इन द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। वियर द डिस्पोजेबल ग्लोव्स एंड यूज द फोर्सेप्स टू हैंडल द स्टैंडर्ड वेट। डू नॉट पुट द वेट मटेरियल बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस। मतलब जो भी बैलेंस की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको ना वेट रखना है ना आपको मटेरियल रखना है। स्टैंडर्ड वेट आउट टू बी यूज फॉर द कैलिब्रेशन शुड बी कैलिब्रेटेड बाय आउटसाइड एजेंसी। स्विच ऑन द वेइंग बैलेंस प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द वेइंग एक्टिविटी। यूज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ओनली विद इन द स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग रेंज। डू नॉट पुट एक्स्ट्रा लोड व्हाइल वेइंग ऑन अ वेइंग स्पैन। स्पिरिट लेवल ऑफ द वेइंग बैलेंस शुड बी केयरफुली एडजस्टेड एट इट्स सेंटर पोजिशन। ये तो हमने प्रिकॉशन में देख लिया है कि स्पिरिट लेवल आपको जो बैलेंस का सेंटर पॉइंट है उसमें एडजस्ट करना है। इंश्योर दैट द ओनली ट्रेन पर्सन शैल बी हैंडल द वेइंग बैलेंस। तो डेली बैलेंस वेरिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है डेली। इंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ द बैलेंस बिफोर कैलिब्रेशन। सेलेक्ट द स्टैंडर्ड वेट, जो भी आपको वेट लेना है वो वेट लेके सेलेक्ट करना है। डेली वेरिफिकेशन ऑफ द बैलेंस टू बी डन बाय यूजिंग 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड वेट्स। इंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ द बैलेंस बिफोर कैलिब्रेशन, ठीक है। अभी आएगा मंथली कैलिब्रेशन, तो मंथली कैलिब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शैल बी डन एज पर द फॉर्मेट बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस, ठीक है। ईच बैलेंस शैल बी कैलिब्रेटेड मंथली एज पर द प्रोसीजर गिवन बिलो। तो ये टेस्ट कौन कौन सी है यहां हमने वो देखना है। तो मंथली कैलिब्रेशन में टेस्ट आपको ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना और देखो
लीनियरिटी है, इसेंट्रिसिटी है, रिपीटेबिलिटी है और प्रिसीजन है। तो ये चार टेस्ट हम मंथली कैलिब्रेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे रिपीटेबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, आपको कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स या क्वेश्चंस कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। और दोस्तों, आपको ये चैनल कैसे लग रहा है ये भी आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में दे देना। और दोस्तों, प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो पहली टेस्ट है दोस्तों रिपीटेबिलिटी टेस्ट। रिपीटेबिलिटी टेस्ट शैल बी डन विद द स्टैंडर्ड वेट अप्रोक्सिमेट 50% ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस एज पर मेंशन इन द फॉर्मेट। रिपीटेबिलिटी टेस्ट में आपको स्टैंडर्ड वेट लेना है और अप्रोक्सिमेट 50% ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम जो कैपेसिटी 50% है, मैक्सिमम कैपेसिटी के 50% पे आपको रिपीटेबिलिटी टेस्ट करनी है। वो कैसे? टेक द 10 रीडिंग ऑफ व्हिच वेट एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन मंथली कैलिब्रेशन फॉर्मेट। फ्रीक्वेंसी है मंथली एंड आफ्टर मेंटेनेंस वर्क। जब भी आपको मेंटेनेंस वर्क अगर होता है तो उसके बाद आपको ये रिपीटेबिलिटी टेस्ट करनी है। दूसरी टेस्ट है दोस्तों लिनियरिटी। स्विच ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ द बैलेंस, फिल इन द पैन विद द मॉइस्ट क्लॉथ फॉलोड बाय द लिन फ्री क्लॉथ, चेक द स्पिरिट लेवल ऑफ द बैलेंस एंड एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड। स्विच ऑन द पावर सप्लाई ऑफ द बैलेंस, एडजस्ट द बैलेंस टू ऑटो जीरो, अलाउ द बैलेंस टू स्टेबिलाइज फॉर 5 मिनट्स। तो लिनियरिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द बैलेंस टू गिव द रिजल्ट्स विद इन द लीस्ट काउंट ऑफ द बैलेंस और 0.1% ऑफ द स्टैंडर्ड वेट विच एवर इज ग्रेटर व्हेन डिफरेंट रेंज ऑफ वेट आर प्लेस्ड ऑन इट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी आप स्टैंडर्ड वेट ले रहे हो उसका लिस्ट काउंट या 0.1% के अंदर वो बैलेंस आपको मेजरमेंट्स दे देगा। कैसे? एक बार क्या करना है, 50% पे आपको वेट रखने, एक बार जैसे कि 10, 20, 40, 60 ऐसे, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर से रखना है और वो रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, 10 रखा हमने, 10 स्टैंडर्ड वेट रखा तो क्या रिजल्ट आया, मतलब क्या रीडिंग आ गई, फिर 20, फिर 40, फिर 60 ऐसे, फिर बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। जैसे आप 80 तक गए, 80 केजी तक गए तो फिर 80 रखोगे, फिर 60 रखोगे, फिर 40 रखोगे, फिर 20 रखोगे और इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये हो गया लिनियरिटी टेस्ट। थर्ड टेस्ट है दोस्तों इसेंट्रिसिटी टेस्ट। एबिलिटी ऑफ द बैलेंस टू गिव द रिजल्ट्स विद इन द लिस्ट काउंट ऑफ द बैलेंस और 0.1% ऑफ द स्टैंडर्ड वेट विच एवर इज ग्रेटर व्हेन डिफरेंट वेट इज प्लेस इन अ 5 डिफरेंट पोजिशंस। तो 5 डिफरेंट पोजिशन पे आपको वेट रखना है। वो 5 डिफरेंट पोजिशन है, लेफ्ट बैक कॉर्नर, राइट बैक कॉर्नर, राइट फ्रंट कॉर्नर, लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर एंड सेंटर। ऐसे 5 अलग अलग पोजिशन पे आपको डिफरेंट वेट रखने हैं और उसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है, मंथली फ्रीक्वेंसी है और कोई मेंटेनेंस वर्क होता है उसके बाद में आपको इसेंट्रिसिटी या ये रिपीटेबिलिटी, ये सभी टेस्ट जो मैं अभी यहां बता रहा हूं ये सभी आपको मंथली कैलिब्रेशन में करना है। कैलिब्रेशन फेल्यूर। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन आर नॉट मोर देन प्लस माइनस 0.10% ऑफ द स्टैंडर्ड वेट। इफ एनी रीडिंग गोज आउट ऑफ द रेंज इट शुड बी कंसिडर्ड एज कैलिब्रेशन फेल्यूर। क्लीन द एनालिटिकल बैलेंस विद द सॉफ्ट ब्रश, लिन फ्री क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, देयर आफ्टर क्लीन विद द लिन फ्री क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ कंटेनिंग 70% ऑफ द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA बिफोर स्टार्ट ऑफ द वीइंग एंड कैलिब्रेशन एंड रिकॉर्ड द एंट्री इन अनेक्सा। और लास्ट टेस्ट है दोस्तों प्रिसीजन टेस्ट। प्लेस द स्टैंडर्ड वेट ऑन द वेइंग पैन, नोट डाउन द रीडिंग एंड रिपीट फॉर 10 टाइम्स। मतलब आपको वेट लेना है, पैन पे रखना है, रीडिंग लिखनी है, ऐसे 10 बार करना है। इससे क्या होगा कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, अप टू 10 रीडिंग तक क्या कोई वेरिएशन वेट में है, रीडिंग में,
तो ये आपको पता चलेगा। रिकॉर्ड द वेट इन रिस्पेक्टिव फॉर्मेट ऑफ मंथली कैलिब्रेशन रिस्पेक्टिव वेइंग बैलेंस। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये यहां फॉर्मूला दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सम ऑफ ऑल रीडिंग, ठीक है, एक्स माइनस एक्स आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, तो ये फॉर्मूला है। तो इसको सम ऑफ ये पैराबोला की क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ये साइन को, तो सम ऑफ द रीडिंग है ये साइन को, एक्स इंडिविजुअल रीडिंग, एक्स आई अरिथमेटिक मीन और एवरेज है, एन नंबर ऑफ रीडिंग है, ठीक है। कैलकुलेट द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ये है स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, तो ये है 3 इंटू एस डी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट। एस डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और बैलेंस की कैपेसिटी क्लीनिंग होती है दोस्तों, टाइप ए क्लीनिंग होती है और टाइप बी क्लीनिंग। टाइप बी क्लीनिंग यानी कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और बैच टू बैच में टाइप ए क्लीनिंग होती है। तो यहाँ डेली बैलेंस वेरिफिकेशन का मैंने यहाँ आपको दिखाई दिया है और यहाँ आता है दोस्तों ये है मंथली कैलिब्रेशन है जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ मंथली वाले में क्या है। ये मंथली हुआ तो मंथली में आप देख सकते हो मंथली कैलिब्रेशन रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो इसमें डिपार्टमेंट मंथ लोकेशन बैलेंस का आईडी बैलेंस कैपेसिटी मेक लिस्ट काउंट ऑपरेटिंग रेंज सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर वैलिडिटी, तो ये अलग अलग से मंथली कैलिब्रेशन का टेस्ट है। कैलिब्रेशन डन ऑन और डी ओ ऑन, ठीक है, ये मंथली होता है। तो इस मंथ को फर्स्ट डे ऑफ द मंथ तो ड्यू डेट रहेगा नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये लिनियरिटी इसेंट्रिसिटी रिपीटेबिलिटी और प्रिसीजन ऐसे चार टेस्ट मंथली कैलिब्रेशन में करते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, करते रहो हैश इंटरव्यू की तैयारी, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई इस वीडियो में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछना और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स करके सुझाव दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।